हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? पार्टनरशिप मेरे बच्चे हम लोगों ने एंड कर लिया। आप याद कीजिए, पार्टनरशिप में हम लोगों ने फंडामेंटल पढ़ा, चेंज इन प्रॉफिट रेशियो पढ़ा, एडमिशन पढ़ा, रिटायरमेंट पढ़ा, डेथ पढ़ा, डिसोल्यूशन पढ़ा, जितनी बातें पढ़ी सारी बातें कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी किया हमने, सब कुछ खत्म हो चुका मेरे बच्चे। आज हमें क्या करना है, आज हमें नए चैप्टर में एंट्री करना है, मतलब पार्टनरशिप से थोड़ा और बड़ा, जिसको हम बोलते हैं कंपनी अकाउंट्स। पता है, कल को अगर मैं आपकी थोड़ी सी बात बता दूं, कल को आपको क्या होता है, सर ये क्या लिख दिया आपने, इसको बाद में, ये मुझे कुछ समझाना है, अभी इस पर ध्यान मत देना, मैं कुछ अलग से लिख रहा हूँ, बस उस पर आप ध्यान दोगे। देखो मैं आपको बताऊँ, अभी आप ये छोटे से बच्चे हो, ये हो आप, मेरी बात सुनना ध्यान से, कल को आप बड़े हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ जाएंगी, आपको आपकी आगे फैमिली होंगी, उनको भी चलाना है, मेरे बच्चे मम्मी पापा हैं, उनको भी आपको पूरा सपोर्ट करके उनको खुश रखना अपने पास, आपके मतलब फैमिली में जो सोसाइटी में और जो लोग हों उनके साथ भी आप उठ बैठ सकें, इसलिए आपको बड़ा बनना है। और बड़ा बनने के प्रोसेस में जो पहला स्टेप होता है ना, कि अगर मान लो मुझे कहीं जॉब नहीं करना, अगर मुझे जॉब करने का मन नहीं है, अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ बिजनेस, तो मेरे बच्चे बिजनेस का पहला रूप होता है सोल प्रोप्रेटरशिप। अब सुनना, मैं कुछ बातें बताऊंगा, कुछ बातें इससे रेलिवेंट है, कुछ बातें रेलिवेंट नहीं है, लेकिन आपके लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये हमेशा के लिए। सोल प्रोप्रेटरशिप का मतलब होता है मेरे बच्चे, अगर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ तो अकेले करूँगा, अकेले मतलब हमने कोई, मान लो कि हम लोग बहुत कम पैसा है तो हम कोई बात नहीं, हम अकेले करेंगे, ज़्यादा पैसे तो भी कोई बात नहीं, हम अकेले करेंगे, हमें अकेले काम करना। जब हम अकेले काम करते हैं मेरे बच्चे, हम अपनी मर्जी से बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, अपनी मर्जी से डिसीजन लेते हैं, अपनी मर्जी से अपना जो एक्सपेंशन प्लान होता है हम उसको फॉर्मुलेट करते हैं, अपनी मर्जी से कितने घंटे काम करना है, कितने घंटे काम नहीं करना, वो हम डिसाइड करते हैं। लेकिन फिर एक टाइम पे आपको रिक्वायरमेंट आती है, जब बिजनेस आपका ग्रो करना शुरू करता है तो आपको रिक्वायरमेंट आती है और पैसे की, आपको रिक्वायरमेंट आती है कुछ और ऐसे लोगों का जिन पे आप फुल फेथ कर सको, मतलब जितना मेहनत आप करते हो वो भी लोग भी उतना मेहनत करने को तैयार हों। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस को फिर कन्वर्ट करते हैं आपका अगला रूप, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप का, जो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ के निकल चुके हैं। पार्टनरशिप में क्या होता है जी, दो या दो से ज़्यादा लोग आपके होंगे, और ये लोग मिलके क्या करते हैं जी, पैसा भी लगाते हैं, मिलकर मेहनत भी करते हैं, मिलकर आपका एफर्ट भी आपका लगाते हैं, और सारा जब दो तीन लोग चार लोगों का दिमाग काम करता है, और अगर पॉजिटिव काम किया, राइट डायरेक्शन में काम किया, तो उस केस में क्या होता है बच्चे, कंपनी का, माफ कीजिए, फर्म का और ज़्यादा ग्रोथ होता है, बिजनेस का और ज़्यादा ग्रोथ होता है, काम और ठीक से चलता है। लेकिन अगर आपका बिजनेस उस स्टेज पे आ चुका है जहां पे आपको लगता है कि यार पार्टनरशिप से भी काम नहीं चला, क्योंकि पार्टनरशिप में मेरे बच्चे वहां पे 7 लोगों का 10 लोगों का लिमिटेशन है, कि आप पार्टनरशिप में 7 या 10 बिजनेस के मुताबिक, मैं बाद में बात करूंगा, इतने लोगों से ज्यादा आप अपना पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बना सकते। लेकिन मान लो आपको लगता है कि यार 7-10 से काम नहीं चलेगा, हमें 20-30 लोगों की रिक्वायरमेंट थी, जो अच्छे एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं उस तरीके से वो भी काम करेंगे, और 30-50-60 ही क्यों, हमें हजारों लोगों की रिक्वायरमेंट है, हमें खूब सारे पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो मेरे बच्चे अगला स्टेप आपका होगा पार्टनरशिप से भी आगे निकल कर कंपनी का, कंपनी अकाउंट्स। हम कंपनी में जाना पसंद करेंगे, कंपनी जहां पे हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है, हम जितने चाहे उतने अपने कंपनी के अंदर में मालिक बना सकते हैं। देख रहे हो, यहां पे तो एक मालिक हो सकता है, यहां पे लिमिट 7 या 10 का है, वो 7-10 क्या है वो चर्चा पार्टनरशिप में कर चुके हैं, लेकिन 7 या 10 से भी ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट अगर है तो आपको कंपनी फॉर्म करना पड़ेगा। अगर 7 और 10 लोगों के पैसे से मान लो आपका पर्पस जो बिजनेस का है वो फुलफिल नहीं हो पाता मेरे बच्चे, प्रोजेक्ट में जितने पैसे के रिक्वायरमेंट है वो ये लोग फुलफिल नहीं कर पाते, तो अगला स्टेप आपका कंपनी का होगा।
जहां पे आपकी मर्जी है, जितने चाहे उतने आप उसके मालिक बना लो, 150, 200, 500, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 आपकी मर्जी जितने बनाओ, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आपके वहां पे मिलके काम करेंगे वहां पे क्या होगा, उतने सारे पैसे आएंगे और जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना बड़ा काम कर सकते हैं। आज के टाइम पे टाटा, रिलायंस, बिरला, ये सब जो कंपनी है मेरे बच्चे, ये सारी कंपनीज है, इसमें 1, 2, 5, 10 मालिक नहीं है, लाखों लोग मालिक है। अगर आप देखो रिलायंस में, आपने नाम सुना होगा मुकेश अंबानी का, तो मुकेश अंबानी ही सिर्फ मालिक नहीं है, मालिक तो बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं। अब जब लाखों लोग होंगे तो फिर देखो यहां पे क्या होता है, मैं आपको बताते चलता हूं कि कंपनी के अंदर में जरा सोचो, आप जरा इमेजिन करना जो बताऊंगा, हमें रटना नहीं है, कि अगर मान लो टाटा कंपनी की बात करते हैं, टाटा कंपनी इसमें 1-2 मतलब ये देखो ये लाख लोग हैं, बहुत सारे मेरे बच्चे लाखों यहां पे मालिक हैं। और सच्चाई बता रहा हूं, कंपनी जो बहुत बड़ी होती है उसमें बहुत लोग मालिक होते हैं, मान लो ये लाख लोगों का मालिक है। जब ये सोल प्रोप्रेटरशिप था ना, तो एक आप मालिक थे, अपनी मर्जी से काम किए, लेकिन सोचो कंपनी के केस में अगर लाख लोग मालिक होते हैं तो लाख लोगों के दिमाग से बिजनेस नहीं चल सकता। जब हमारे घर में मान लो 4 लोग हैं और चारों लोगों का माइंड अलग अलग काम करता है, तो लाख लोग जो पूरे आपके इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से जो जुड़े हुए एक जगह काम करने के लिए, अगर सबके माइंड से काम किया जाए तो मेरे बच्चे उस केस में कंपनी काम नहीं कर पाएगी, बिजनेस बंद हो जाएगा। इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013 जो एक्ट उस पर चलता है मेरे बच्चे अभी रिसेंट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 में कहा है कि कंपनी के अंदर में जो मालिक होंगे, मालिक और जो कंपनी की जो मैनेजमेंट होगी, मतलब कंपनी में जो ओनरशिप है, जो ओनर है, मालिक है, और जो कंपनी की जो मैनेजमेंट होगी, दोनों हमेशा अलग होगी। जो मालिक होंगे बच्चे वो मैनेजमेंट नहीं करेंगे, और जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल अलग चीज़ आपका है। मेरे कहने का मतलब है कि कंपनी को खास इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि भैया आप अपने गोल को अचीव करने के लिए आप एक अलग से मैनेजमेंट टीम बनाओ, और उसमें ये लोग रहे या ना रहे फर्क नहीं पड़ता। ये तो मतलब समझ लो किसी के पास खूब सारा पैसा है तो वो जाके आपका कंपनी का मालिक बन गया, पैसा लगा दिया, लेकिन उसको मैनेजमेंट नहीं आता। तो मैनेजमेंट में क्या होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, CA हो गए, CMA हो गए, CS हो गए, MBA वाले हो गए, कोई आपका IIT से कुछ अच्छा कोर्स किया, मतलब बड़ा बड़ा काम किया हुआ है, वो जाके मैनेजमेंट संभालते हैं। अगर आज रिलायंस कंपनी इतनी बड़ी बनी है मेरे बच्चे, तो रिलायंस कंपनी के जो मालिक, मैं भी मालिक हूँ रिलायंस कंपनी का, क्योंकि मैंने उसके शेयर्स परचेज किए हैं। जो मुकेश अंबानी का नाम आप सुनते हो वो भी उसका मालिक है, लेकिन दे आर नॉट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैं मैनेजमेंट में नहीं हूँ। मैनेजमेंट की उनकी एक अलग टीम है जो पूरे कंपनी का एक्सपेंशन कैसे करना है, ग्रोथ कैसे करना है, कंपनी कैसे बढ़ना है, कौन सा प्रोजेक्ट में पैसा डालें, कौन से प्रोजेक्ट से पैसा निकालें, कौन सा प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है तो और उसको आगे बढ़ाया जाए, कौन सा प्रॉफिटेबल नहीं है तो उसको हम बंद करें या किसी और तरीके से काम करें, ये सारा डिसीजन मैनेजमेंट लेती है मेरे बच्चे। जब हम बात आपसे कंपनी का करेंगे फिलहाल आज की क्लास तक में, तो हमें क्या करना है, रिलायंस, टाटा, विप्रो, इनके बारे में सोचना है। समझ मेरी बात ना, यहाँ पे आपका ये सारी कंपनी है जो जिसपे कि आपका काम होता है। तो हमने आपको बताया कुछ कंपनी का मतलब, अगर आपको भी कल को मान लो मुकेश अंबानी या फिर आपका अनिल अंबानी या अजीम प्रेम जी जो विप्रो का मालिक है, या रतन टाटा जो अभी तक आपके टाटा समूह के आपका अभी भी मालिक है, बट अभी छोड़ो उतने हम डिटेल में क्यों जाए, अगर इन सबको बीट करने का मन करता है तो कंपनी तो आपको फॉर्म करनी ही पड़ेगी। सर कंपनी का वर्किंग कैसे होगा, यही बातें तो पूरा सिखाएंगे मेरे बच्चे इस चैप्टर के अंदर में कंपनी अकाउंट्स। लेकिन आज हम उतना जाने के बजाय पहले आपको थोड़ा मीनिंग बताएं कि कंपनी का क्या मतलब होता है। कंपनी का मतलब देखो यहाँ पे कहा गया है एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मैं आपको बताते चलूँ, ये बातें मैंने आपके रजिस्टर के, माफ़ कीजिए, आपके चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने इम्पोर्टेंट थ्योरी के अंदर में आपको दिया हुआ है। मैं बस समझा रहा हूँ कि क्या मतलब निकल के आता है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल मतलब एक तो हमारे देश में कंपनी को भी एक पर्सन माना गया है। पर्सन मतलब जो जिसका एग्जिस्टेंस है हमारे देश के अंदर में, जैसे टाटा कंपनी भी एक आपका पर्सन है, रिलायंस कंपनी भी पर्सन है, आप भी एक पर्सन हो, मैं भी एक पर्सन हूँ, वो भी एक पर्सन है। लेकिन जब उनको पर्सन कहा गया तो उसके पहले क्या बोल दिया गया, आर्टिफिशियल। सर ऐसा क्यों, क्योंकि मैं और आप नेचुरल पर्सन है मेरे बच्चे, हम लोग नेचर के द्वारा, हमारे मम्मी पापा ने हमें क्रिएट किया है। लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन का जन्म नहीं होता, उसको आपका क्रिएट किया जाता है कंपनीज एक्ट के अंदर में। तो एक आर्टिफिशियल पर्सन आपका है।
ठीक है ना, कहता है कि आपका क्रिएटेड बाय लॉ, लो कह दिया इसको लॉ ने क्रिएट किया है, मुझे और आपको हमारे मम्मी पापा ने क्रिएट किया है, लेकिन जो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं उनके मम्मी पापा ने उनको लॉ क्रिएट करता है, मेरे बच्चे हमारे देश का कानून क्रिएट होता है तो कानून इसको क्रिएट करता है ना। कहता है फिर परपेचुअल सक्सेशन, बहुत अच्छा वर्ड है, कंपनी के फॉर्म होने के बाद याद रखना कंपनी परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कंपनी चलते जाएगी। अगर कंपनी का मालिक, जैसे मान लो आज सपोज कि मुकेश अंबानी आपको लगता है मालिक, मैं भी हूँ, मैं थोड़ा डिटेल में आगे बात करूंगा, लेकिन मुकेश अंबानी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी इस चैप्टर का पूरा आपको नॉलेज नहीं है, रतन टाटा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको अभी पूरा नॉलेज नहीं है, ऐसे मालिक सभी होते हैं बच्चे आपका, कोई बहुत बड़ा मालिक होता है जैसे रतन टाटा मालिक आपका है। तो फिलहाल मैं कहना चाहता हूँ कि मान लो कंपनी का मालिक रतन टाटा है, रतन टाटा के मर जाने से कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगा, कंपनी चलते चली जाएगी क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट जो है मेरे बच्चे एंड ओनरशिप जो है दोनों अलग है। तो मैनेजमेंट करने वाले लोग अलग हैं, वो आपका कंपनी बढ़ा रहे हैं, आप एक मालिक आज है, आज वो मर गया, कोई दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, तो मालिक आएगा जाएगा लेकिन कंपनी चलते चली जाएगी। ऐसा इसमें नहीं होता, आप देखो ऐसा इसमें नहीं होता मेरे बच्चे, क्योंकि यहां पे पार्टनर का डेथ हो गया तो बिजनेस खत्म हो गया, लेकिन यहां पे हमने क्या बोला कि ये चलते चले जाएगी, परपेचुअल सक्सेशन आपका मतलब कॉन्टिन्यूसली बिजनेस चलेगा। एंड ए कॉमन फील, हर एक कंपनी का एक कॉमन फील होता है, आप हमारे सीओसी के देखो तो सीओसी का भी कॉमन फील है, आप देखते होंगे मेरे साइट पे या मेरे हर एक आपका वीडियो में स्टार्टिंग में एक फील आता है, रतन टाटा का भी एक फील है, रिलायंस का भी फील है, विप्रो का भी, क्योंकि कंपनी को मेरे बच्चे एक फील से पहचाना जाता है, मुझे मेरे फेस से पहचानते हो, कंपनी का फेस क्या होता है उनका कॉमन फील। अगर हम रतन टाटा की गाड़ी को देखें, माफ कीजिए टाटा की गाड़ी को देखें, तो हर एक गाड़ी के पीछे एक फील उनका लगा होता है, वो उनको रिप्रेजेंट करता है कि उनका कॉमन फील है। तो हमने कहा कि अगर कोई पूछे बताओ कंपनी का क्या मतलब है, एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ विथ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन फील, ऐसा लॉर्ड जस्टिस हेने ने आपका डिफाइन किया है। ये डेफिनेशन है मेरे बच्चे, इसको मीनिंग से ज़्यादा अच्छा क्या बोला जाएगा, डेफिनेशन कहा जाएगा। डेफिनेशन का मतलब कि कंपनी को डिफाइन किया है लॉर्ड जस्टिस हेने ने आपका इस तरीके से। एग्जाम में अगर आ जाए कि डेफिनेशन बताओ कंपनी का क्या है, तो आप इस तरीके से लिख कर दिखा सकते हैं कि एज पर जस्टिस लॉर्ड जस्टिस हेने आपका कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ विथ परपेचुअल सक्सेशन एंड द कॉमन सील आपका, ठीक है ना। और हाँ, अगर मान लो कोई पूछे कि जरा बताओ कंपनी एक्ट 2013 में इसको कैसे डिफाइन किया गया है, कंपनी का जो डेफिनेशन है, कंपनी का जो मीनिंग है, वो कंपनीज एक्ट 2013, मेरे बच्चे हर एक चीज जिसको लॉ गवर्न करता है तो लॉ ने उसको डिफाइन किया है। लॉ के अंदर में कंपनीज एक्ट 2013 ने, ध्यान रखना सेक्शन मैं यहाँ पे आपको लिख दूँ, आप चाहे अगर लिखना है तो लिख सकते हो, ऐसे मैंने बुक में दिया है, सेक्शन टू सब सेक्शन 20, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, सेक्शन 2 बाहर वाले को सब सेक्शन 20 के अंदर में कहा गया है कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है जी, रजिस्टर्ड। मेरे बच्चे अगर आप पार्टनरशिप फर्म खोलते हो, अगर आप मान लो सोल प्रोपरशिप फर्म खोलते हो, तो आप उनका रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हो, नहीं भी करा सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। यानी कि अगर कोई कंपनी आपको फॉर्म करना है तो आपको पहले गवर्नमेंट के पास उसको रजिस्टर्ड कराना ही पड़ेगा। तो इसलिए कहा गया कि ऐसे बोलते हैं, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में जितने भी कंपनी रजिस्टर्ड है उन्हीं को कंपनी कहा जाएगा। और कहा गया और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, मेरे बच्चे 2013 के पहले ना हमारे देश में काम कर रहा था 1956 कंपनीज एक्ट 1956, उसके पहले 1949 भी था, कई सारे एक्ट थे। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड है मतलब रजिस्टर्ड है, या तो कंपनीज एक्ट 2013 मतलब जो करंट में अभी एक्ट चल रहा है, और एनी प्रीवियस यानी कि इसके पहले जो भी एक्ट हमारे देश में था, अगर उसमें भी आप रजिस्टर्ड हो तो कंपनी के नाम से आपको जाना जाएगा। समझो मेरी बात यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे बताया गया कि मीनिंग ऑफ कंपनी, आप चाहो तो लॉर्ड जस्टिस हेने के हिसाब से देख लीजिए, और सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में इस तरीके से डिफाइन किया गया है।
तो ये डेफिनेशन हुआ है। एग्जाम में अगर बोलता है राइट ए शॉर्ट नोट फ्रॉम कंपनी और या फिर बोलता है डिफाइन कंपनी, तो आप दोनों डेफिनेशन दे दो, आपको अच्छा लगेगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि कंपनी जैक्ट 2013 के मुताबिक कुछ है नहीं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, ये याद रखना। ऑफ कंपनी जैक्ट 2013, एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड यानी कि रजिस्टर्ड अंडर कंपनी जैक्ट 2013 और एनी प्रीवियस सच एक्ट, ठीक है ना। तो उसके बारे में कहा गया और इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही। फिर आता कि कंपनी के फीचर्स क्या है, मतलब अगर मान लो एक कंपनी में स्टार्ट करूं तो उस कंपनी में कौन कौन सी चीज़ें हमेशा होंगी। मेरे बच्चे अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं, COC प्राइवेट लिमिटेड या फिर रिलायंस लिमिटेड की बात करूं या विप्रो लिमिटेड की बात करूं या फिर किसी भी कंपनी की बात करूं, जो कंपनीज हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं पार्टनरशिप फर्म की बात नहीं कर रहा, मैं सोल प्रोपराइटरशिप फर्म की बात नहीं कर रहा, आज हम बात कंपनी की कर रहे हैं, तो कंपनी के अंदर में ये फीचर्स होते हैं मेरे बच्चे। पहला क्या बता रहा है, इन कॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, ये इन कॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, ग्रुप, समूह, कई लोग जो मिलके काम करते हैं। तो जो भी इन कॉर्पोरेटेड है मतलब कंपनी, ध्यान रखना, कंपनी का अगर आपसे कोई फीचर्स पूछता है तो कंपनी हमेशा इन कॉर्पोरेटेड मतलब क्या होता है जी, रजिस्टर्ड, ये हमेशा आपका रजिस्टर्ड बॉडी होगी, ये हमेशा क्या होगा, रजिस्टर्ड बॉडी आपका होगा। सेपरेट लीगल एंटिटी, याद रखना, अभी मैंने समझाया था ओनर अलग होता है और मैनेजमेंट अलग होता है। यहां पे मेरे बच्चे आप ध्यान रखना, सेपरेट लीगल एंट्री का मतलब कि जो ओनर है और जो कंपनी है, माफ कीजिए मैनेजमेंट नहीं, कंपनी जो है और इसका मालिक जो है, दोनों हमेशा अलग होंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि कंपनी और कंपनी के जो मालिक है वो दोनों हमेशा अलग होंगे। मेरे बच्चे रिलायंस एक कंपनी है, अनिल अंबानी उसका एक मालिक है। तो हम लोग पूरे अकाउंटेंसी में पढ़ते आ रहे हैं कि अकाउंटेंसी के अंदर में कंपनी और मालिक दोनों को अलग ट्रीट किया जाएगा। जितने भी हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं सब कंपनी के बुक में पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी आपका। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मैंने बता ही दिया, ये कॉन्टिन्यूसली चलते चली जाएगी, कॉन्टिन्यूसली। अगर इसका कोई किसी मालिक का डेथ हो जाएगा, चाहे वो पागल हो जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो जाएगा बच्चे, उससे कंपनी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना, कंपनी कॉन्टिन्यूसली चलते रहेगी, ऐसा मानते हुए हम अकाउंटिंग करते हैं। क्यों सर, कंपनी बंद नहीं होती? होती है मेरे बच्चे, कई सारी कंपनी बंद हुई है, होगी, बट हमने कहा कि अकाउंटिंग करते समय ये माना जाएगा कि कंपनी चलते चली जाएगी। अगर किसी पार्टनर, सॉरी, उनके जो मालिक है, शेयर होल्डर है, सॉरी, उनका डेथ हो गया या कुछ भी, तो उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हमने एक वर्ड यूज किया, शेयर होल्डर। मेरे बच्चे यहां पे पार्टनरशिप में मालिक को हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं। यहां पे जो मालिक होते हैं उनको शेयर होल्डर बोलते हैं। शेयर होल्डर क्यों बोलते हैं, उसका भी एक रीजन है, बट समझना, शेयर होल्डर जब भी बोलूंगा तो मैं मालिक के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पे क्या बोला, एक तो रजिस्टर्ड एसोसिएशन है जी कंपनी, सेपरेट लीगल एंट्री का मतलब कि कंपनी और इसका जो ओनर है दोनों अलग होंगे। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कंपनी हमेशा चलते चली जाएगी, कंपनी का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होना अगर उसके शेयर होल्डर का मतलब मालिक का डेथ होता है तो। कॉमन सील में बता चुका हूँ, हर एक कंपनी का एक सील होता है जिससे उसको पहचाना जाता है मेरे बच्चे, ये कॉमन सील हो गया। लिमिटेड लाइबिलिटी, ये बात आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, बहुत बड़ा चीज़ है मेरे बच्चे। याद कीजिए, जब पार्टनरशिप मैंने पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि अगर मान लो पार्टनरशिप के अंदर में पार्टनरशिप फर्म की जो लायबिलिटी है, अगर उस लायबिलिटी का पूरा पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो पार्टनर्स को पैसा अपने घर से लाना पड़ा था, याद है आपको मेरे बच्चे। पार्टनरशिप फर्म में अगर मान लो फर्म जो है, अगर जो पार्टनरशिप फर्म है उसके एसेट्स को बेचकर अगर लायबिलिटी का पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म को पैसा, जो पार्टनर थे उनको घर से लाना पड़ा था, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी के अंदर जो लायबिलिटीज है उनका पेमेंट कंपनी ही सिर्फ पे करेगी, मतलब कंपनी के जो लायबिलिटी है मेरे बच्चे उसका पेमेंट करने के लिए सिर्फ कंपनी के एसेट्स बेचे जाएंगे। अगर कंपनी के एसेट्स को बेचकर लायबिलिटी का पेमेंट नहीं हो पाता तो कंपनी के जो शेयर होल्डर है मतलब मालिक है, हम उनसे उनके घर की प्रॉपर्टी पैसा बेचकर बिजनेस में नहीं लाएंगे। दोबारा सुनिए, लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि कंपनी के जो मालिक है, शेयर होल्डर्स, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब क्या, जितना पैसा हम बिजनेस में लगा चुके हैं बस उतना ही। अगर बिजनेस में जो पैसा है उससे लायबिलिटी वालों का पेमेंट नहीं होता तो यहाँ जो शेयर होल्डर है, मालिक है मेरे बच्चे,
वो घर की प्रॉपर्टी बेच के पैसा बिजनेस पर नहीं डालते, इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब जितना पैसा कंट्रीब्यूट कर चुके बस उतना ही, उसके आगे नहीं। और हाँ, ये तो बता ही चुका हूँ कि ओनरशिप और मैनेजमेंट यहाँ पे दोनों अलग होता है। आप ओनर हो सकते हो लेकिन टाटा कंपनी के आप मैनेजमेंट में नहीं जा सकते। मैनेजमेंट करने वाले गिने चुने लोग होते हैं जो बहुत हाईली एफिशिएंट होते हैं मेरे बच्चे। इसलिए कंपनी में ओनरशिप और मैनेजमेंट क्या होता है, दोनों अलग होता है। नॉट अ सिटीजन, सिटीजन नहीं है, सिटीजन मैं हूँ, आप हो, जिसको वोटिंग करने का राइट होता है, जो इलेक्शन के अंदर में वोट देता है। हमारे पास कुछ अधिकार है मेरे बच्चे बीइंग ए सिटीजन, लेकिन कंपनी एक सिटीजन नहीं है। कंपनी वोट नहीं कर सकती क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है। नेचुरल पर्सन को सिटीजन कहते हैं, आर्टिफिशियल जो होते हैं वो आपका वो सिटीजन नहीं काउंट किए जाते। तो हमने कहा कि भैया रजिस्टर्ड आपका बॉडी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब कंपनी और ओनर अलग है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब बिजनेस कॉन्टिन्यूसली चलते चला जाएगा, इनका कॉमन फील होता है। लाइबिलिटी यहाँ पे ओनर की लिमिटेड होती है, ओनरशिप मैनेजमेंट अलग होता है। यहाँ पे ये सिटीजन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। एंड नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स, मेरे बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे मालिक कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। और जो शेयर होल्डर्स होते हैं, अगर मान लो मेरे पास उस कंपनी का शेयर्स है, सर शेयर्स क्या होता है, अभी समझ लो मैं मालिक हूँ तो मेरे पास कुछ शेयर्स होंगे। जो भी कंपनी के मालिक होते हैं बच्चे, उनके पास शेयर्स होते हैं कंपनी का। शेयर्स क्या होता है, कैसे बनता है, वो आगे का विषय मैं बताऊंगा, चिंता नहीं करना। लेकिन अभी उतनी ही बातें कर रहा हूं जितना आपको रिक्वायरमेंट है। तो मेरे बच्चे यहां पे कहा गया कि अगर मान लो मैं आज मान लो मैं रिलायंस कंपनी का मालिक हूँ, तो रिलायंस कंपनी के शेयर्स मेरे पास है, मैं चाहूँ तो अपना मालिकाना हक, जो मैं मालिक हूँ, मैं आपको दे सकता हूँ, मैं शेयर्स आपको बेच दूंगा। अगर मैंने शेयर्स आपको बेच दिया तो आप उस कंपनी के मालिक हो गए, फिर मैं मालिक नहीं रहा। अगर आपने किसी तीसरे आदमी को शेयर्स बेच दिया तो वो मालिक बन जाएगा, फिर आप नहीं रहोगे मेरे बच्चे। इसलिए कहा कि यहाँ पे आपका जो जो परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब मालिक आएंगे जाएंगे चेंज होंगे, फर्क नहीं पड़ता, ये जो मैनेजमेंट है ना, ये कंपनी को चलाते रहेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बताया गया, आपका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है शेयर्स को ट्रांसफर करने में, मतलब मालिक चाहे तो अपने जगह पे किसी और को भी मालिक बना सकता है जब चाहे तब। और कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पर बच्चे पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर में जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, उसमें अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी नहीं है। आप क्या अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, क्या मेंटेन नहीं कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन है मेरे बच्चे। कंपनी को कहा गया कि आपको कुछ अकाउंट्स है जो मेंटेन करना ही करना है। वो कौन से अकाउंट है वो बाद का विषय, वो भी मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे चर्चा वो नहीं है। यहाँ पे चर्चा फीचर्स का है कि कंपनी में क्या क्या चीजें होंगी। तो कंपनी के पास कंपल्सरी कुछ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं मेरे बच्चे। और हाँ, पीरियोडिक ऑडिट। ऑडिट का मतलब क्या होता है जी, चेक करना। ऑडिट का मतलब क्या होता है, टू चेक। ध्यान से सुनना, जब कंपनी कोई अकाउंट्स बनाती है ना बच्चे, पूरे साल जो अकाउंट्स मेंटेन किया, तो साल के एंड में किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से उस कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट कराती है, चेक कराती है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, उस अकाउंट्स को पूरा चेक करता है और उस पर स्टैंप अपना डालता है कि भैया हमने इसको चेक कर लिया, बिल्कुल सही है। मेरे बच्चे ये कहा जाता है ऑडिट करना, ऑडिटिंग कहा जाता है। ये अधिकार कुछ क्षेत्र में सीए को है, कुछ क्षेत्र में सीएमए को है, कुछ क्षेत्र में सीएफ को है। जैसे अकाउंट्स की ऑडिटिंग सीए करता है, कॉस्टिंग आएगा बात का बात है, उसका ऑडिटिंग सीएमए करता है। और लीगल कंप्लायंस आपने पूरा किया कि नहीं किया है, ये एक सीएस चेक करता है। ये सारे ऑडिट इनको कंपनी को कराने पड़ते हैं। मतलब किसी कंपनी में सीए अकाउंट्स को चेक करेगा, सीएमए कॉस्ट को चेक करेगा, सीएस क्या करता है, लीगल कंप्लायंस को चेक करता है। यानी कि आपको ऑडिट कराना पड़ता है, पीरियोडिक मतलब हर एक साल इनको ऑडिट कराना पड़ता है। ऑडिट कराना किसी पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कंपलसरी नहीं बच्चे। कुछ है लीगल प्रोविजन वहाँ पे, हम उतनी बात नहीं करें, बट कंपनी को हमेशा कराना पड़ेगा, कंपनी को कराना पड़ेगा। चाहे बिजनेस 2 रुपये का करो, चाहे 2 करोड़ का, चाहे 2000 करोड़ का, लेकिन ऑडिट कराना पड़ेगा। और फिर आपका राइट ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि देखो यहाँ पे शेयर होल्डर्स अलग है, मालिक अलग है, मैनेजमेंट अलग है। तो मैनेजमेंट जो काम कर रहा है, डिसीजन जो ले रहा है मेरे बच्चे, इनके पास अधिकार है कि हमेशा जाके मैं चेक करूँ अकाउंट्स को।
ये जब चाहेंगे तब मैनेजमेंट से अकाउंट्स मंगा सकते हैं कि जरा बताओ जी मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, आपने कौन कौन से काम किए, क्या क्या चीज़ कैसे चल रहा, वो सारा वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन छोड़ के जो अभी आपके काम का नहीं है, आपके लिए क्या करना है इतना ही समझना है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं मालिक, उनके पास राइट है एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब कंपनी के किसी भी इन्फॉर्मेशन को चेक करने का, ठीक है ना। इनका डिटेल कैसे लिखना है मैंने आपको बताया हुआ है, जो बातें समझा रहा हूँ मैंने आपको बुक में दिया है मेरे बच्चे, तो डिटेल्स कैसे कैसे लिखना है वो बातें मैंने बताई हैं, मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। हाँ, अगर हम बात करें कि आपका यहाँ पे कंपनी को थोड़ा और बताऊँ, ये कंपनी जो है ना बच्चे, ये कंपनी वर्ड दो वर्ड से मिल के बना है, कम COM प्लस पनिस PANIS, कम प्लस पनिस। सर पनिस का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? पनिस का मतलब होता है ब्रेड, ब्रेड, ब्रेड खाते हो ना, रोटी। और कम का मतलब हो गया यहां पे आपका टुगेदर, टुगेदर मतलब कंपनी, इन दो वर्ड से मिलके बना है, कम प्लस पनिस मतलब आप ब्रेड मतलब प्रॉफिट हम टुगेदर मिलके खाते हैं। लाखों लोग हैं बहुत, क्योंकि आप सोचो छोटा बिजनेस है कम प्रॉफिट होगा, बड़ा बिजनेस होगा बड़े पैसे होंगे बड़ा प्रॉफिट होगा, और जितना बड़ा प्रॉफिट होगा अब हम मिलके क्या करते हैं उस प्रॉफिट यानी कि ब्रेड को हम खाते हैं। तो इस तरीके से कंपनी के नाम को डिफाइन किया गया। कंपनी जब वर्ड बना था बच्चे हमारे इस संसार के अंदर में, तो कम प्लस पनिस, पनिस का मतलब ब्रेड, कम का मतलब टुगेदर, ब्रेड को टुगेदर खाने वाला ही कंपनी को चलाता है। आई बात समझ में? तो ये हमने कुछ आपको बातें बताई हैं, यहाँ पे बातें और सारी होती है, टाइप्स ऑफ कंपनी क्या क्या अभी देखेंगे उसके बारे में। फिलहाल मैंने आपको क्या क्या कंपनी बताया और उसका मैंने आपको फीचर्स बताया, फिर कंपनी कितने तरीके के होते हैं क्या बात की बात है। अभी हमने क्या सीखा जी, एक तो आपका लॉर्ड जस्टिस हैवेल के मुताबिक आपका कंपनी का डेफिनेशन है, और सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 के मुताबिक ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में आपको क्या डेफिनेशन दिया गया है कंपनी का, वो भी मैंने बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको आराम से लिखने में आपको हेल्प मिलेगा। फिर फीचर्स क्या होते हैं कंपनी के अंदर में, क्या क्या फीचर्स है मेरे बच्चे? तो ये सारे फीचर्स है, रजिस्टर्ड एसोसिएशन आपका है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, परपेचुअल सक्सेशन आपका होता है, कॉमन सील है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, मैनेजमेंट ओनरशिप अलग होता है, सिटीजन ये नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जो शेयर ट्रांसफर करने में, कंपलसरी अकाउंट्स को मेंटेन करना होगा, पीरियोडिक ऑडिट होना कंपलसन है, और फिर आपका जो इनकी कंपनी के मालिक होते हैं दे हैव द राइट टू एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए मैंने यहाँ पर हटा दूँ। अब मैं आपको एक वर्ड पर लेके आना चाहता हूँ, बीच से बहुत सारी चीज़ों को हटा के मैं आपको शेयर्स के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ। फिर मैं मेरे बच्चे धीरे धीरे हम इसकी अकाउंटिंग में एंट्री करेंगे, और हमारा मकसद पता क्या होगा, मैं पूरे चैप्टर में थ्योरी प्लस जो आपका प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनको साथ साथ लेके चलेंगे, हम उनको प्रैक्टिकली समझेंगे फिर उसको थ्योरी में देखेंगे, कोशिश हमारी यही होगी, हमारी कोशिश यही होगी मेरे बच्चे। हाँ, हमने कहा कि कंपनी अकाउंट्स में पहला चैप्टर हमारा क्या शुरू हो रहा है, इशू ऑफ शेयर्स, हम लोग इशू ऑफ शेयर्स को शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, इश्यू ऑफ शेयर्स। और जरा सुनो, अब आपको मैं लेकर आता हूँ शेयर्स क्या होता है। एक चीज बता दूं मैं, शेयर्स को ऐसे मैंने आगे भी डिफाइन किया है, आप मेरा आई थिंक सेकेंड या थर्ड लेक्चर जब आप देखेंगे वहाँ पे फिर से मैंने शेयर्स को डिफाइन किया है मेरे बच्चे, तो कोई टेंशन नहीं करना, बोर वहाँ नहीं होना, दो बार मैंने समझा दिया तो क्या फर्क पड़ता है। आओ जरा मैं आपको अब इस शेयर्स का मतलब समझाता हूँ, शेयर्स का मतलब क्या होता है, सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। देखो मैं बात करता हूँ रिलायंस का, रिलायंस लिमिटेड, सर हम भी लिखे नहीं, अब यहाँ से आपको सुनना शुरू कर देना है मेरे बच्चे। रिलायंस लिमिटेड एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक कंपनी है, मैंने पहले ही कहा कि कंपनी जब फॉर्म करते तो हमारा मोटिव क्या होता है जी, खूब सारे पैसे हमारे पास आए, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट को करने के लिए एक आदमी काम नहीं कर सकता। अब सोचो ना, अब जैसे मैं बात करता हूँ आपका टेली कम्युनिकेशन का, अभी हमारे देश में वोडाफोन है, क्या बोलते हैं आपका एयरसेल है, एयरटेल है, आइडिया, कई सारी कंपनी है। आप देखो इतने वर्ल्ड मतलब इतने बड़े लेवल पे, वाइड लेवल पे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर आप कहते हो कि भैया मेरे पास काफ़ी पैसा है, नहीं पैसा, यहाँ पे 5-10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ से काम नहीं चलता, यहाँ हजारों लाखों करोड़ की रिक्वायरमेंट होती है। स्टील का बिजनेस ले लो, अगर आप स्टील का बिजनेस करते हो तो यहाँ पे लाखों करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट होती है जी, बहुत सारे पैसे चाहिए।
अगर आप ट्रांसपोर्ट में आना चाहते हो, गाड़ी बना, मतलब बहुत पैसे की रिक्वायरमेंट है और किसी एक आदमी के लिए इतना पॉसिबल नहीं होता बच्चे कि हम पैसा इकट्ठा कर पाए। तो मैं एक्चुअली आपको शेयर्स का मतलब समझना चाहता हूँ, देखो क्या निकल के आता है और ध्यान से सुनना। रिलायंस कंपनी को मान लो इनको 50 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट है मान लो, और ये मान लो 50 लाख रुपये जो लिखा ना, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट, इतना बड़ा अमाउंट है मेरे बच्चे कि मतलब 1, 2, 10, 20 आदमी नहीं कर सकते, क्या बात करो सर, 50 लाख तो बहुत आराम से इकट्ठा हो जाएगा। मैंने कहा ना मान लो, चलो मान लो 50 लाख करोड़ रुपए, 50 लाख करोड़ रुपए जो है वो हमने 50 लाख मान लिए, क्योंकि उतना बड़ा फिगर दूंगा दिमाग आपका काम करना बंद कर जाएगा, नसें आपके फट जाएंगी बच्चे दिमाग की, और मैं चाहता नहीं कि ऐसी बात करूं कैलकुलेशन के अंदर में। तो मैंने कहा कि मान लो इनको 50 लाख रुपीज चाहिए अपने टेली कम्युनिकेशन बिजनेस को फैलाने के लिए, ये एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और कहते हैं कि भैया मुझे क्या करना है जी, मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। रिलायंस का मालिक जो फिलहाल है, मान लो आपका यहाँ पे मुकेश अंबानी, मैं एक ही को लेकर चलता हूँ, मुकेश अंबानी मान लो ये मालिक आपका है, और मेरे बच्चे इसके पास ना बहुत ज़्यादा तो मैंने क्या देखा, 10 लाख रुपये हैं बस, सिर्फ 10 लाख से, यानी कि प्रोजेक्ट को हमें करने के लिए 50 लाख रुपए चाहिए, लेकिन इनके पास सिर्फ 10 लाख रुपए हैं और ये अब बिजनेस कर नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे जी। बेस्ट तरीका है कि अगर ये चाहते हैं कि भैया मैं बड़ा बिजनेस करूं, तो इनके पास एक उपाय क्या है मेरे बच्चे, ध्यान देना, ये जो 50 लाख रुपए है ना, जो रिलायंस लिमिटेड को चाहिए एज कैपिटल, कैपिटल मतलब जो पैसा स्टार्टिंग में कॉन्ट्रीब्यूट करना है एज कैपिटल, तो रिलायंस कंपनी क्या करेगी, इस 50 लाख रुपए को कुछ टुकड़ों में डिवाइड कर देगी, कुछ टुकड़े, मान लो एक टुकड़ा जो है मेरे बच्चे वो आपका इन्होंने बना दिया 10 रुपए का, 10 रुपए का क्या बना दिया, एक टुकड़ा, ये लीजिए एक टुकड़ा कितने का बन गया आपका यहाँ पे, 10 रुपए का। टुकड़े का मतलब क्या होता है, शेयर है ना बच्चे, शेयर का मतलब क्या होता है जी, टुकड़ा आपका। तो एक टुकड़ा जो है, यानी कि एक जो शेयर है, एक हिस्सा, वो कितने का बन गया आपका, 10 रुपए का। तो जरा बताओ टोटल टुकड़े कितने हो गए, अगर 50 लाख को 10-10 रुपए के टुकड़ों में डिवाइड करूं तो मेरे बच्चे 5 लाख, 5 लाख यहाँ पे टुकड़े, यानी कि 5 लाख क्या बन गए, शेयर्स यहाँ पे बन गए। इसका मतलब कि कंपनी में जितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कंपनी को जितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कंपनी ने उसको 5 लाख टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, और 5 लाख टुकड़ों में डिवाइड करने के बाद कंपनी ने पब्लिक को बोला, पब्लिक मतलब आम जनता, मेरे आपके जैसे लोग को, कि देखो जी मेरा जो कैपिटल है मैंने 5 लाख टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है, जो आदमी जितने टुकड़ों को परचेज करेगा वो उतने टुकड़ों का मालिक बन जाएगा। तो पता है इनके पास 10 लाख रुपए थे, जरा बताओ 10 लाख रुपए में 10 रुपए के हिसाब से, क्योंकि एक टुकड़ा 10 रुपए का था, बताओ कितने टुकड़े परचेज कर लेंगे। तो मुकेश अंबानी जो है ना, मुकेश अंबानी मेरे बच्चे, इन्होंने क्या किया, 1 लाख टुकड़े परचेज कर लिए, 1 लाख टुकड़े का मतलब क्या हो गया, 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स क्या किया इन्होंने परचेज कर लिया। फिर मान लो कि आपके संतोष सर, यानी कि मैंने क्या किया, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे मेरे बच्चे, मेरे पास क्या था जी, अच्छा जरा बताओ ये 1 लाख शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से इन्होंने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया, 10 लाख रुपए, यानी कि जितने रुपए इनके पास थे उन्होंने 1 लाख शेयर्स परचेज कर लिया। मेरे पास मान लो सिर्फ 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए हैं, तो बताओ मैं कितने टुकड़े परचेज करूंगा, एक टुकड़ा 10 रुपए का है, यानी कि मैंने क्या किया यहाँ पे 20,000 टुकड़े, यानी कि 20,000 जो इनके शेयर्स हैं वो परचेज कर लिए 10 रुपए के हिसाब से, आपका कितने का जी, 2 लाख रुपए का। मेरे बच्चे इसी तरीके से मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, बहुत सारे लोग हैं, इनके पास जितने इन्होंने मान लो इस कंपनी के 30,000 टुकड़े, यानी कि 30,000 शेयर्स परचेज कर लिया 10 रुपए के हिसाब से, 3 लाख रुपए का ऐसे सबने परचेज किया। मेरे बच्चे जितने शेयर्स आप हमने परचेज किए हैं, इस कंपनी का मुकेश अंबानी इतने शेयर्स का मालिक बन जाएगा, मैं इतने शेयर्स का मालिक बन जाऊंगा, ये इतने शेयर्स का बन जाएगा, जो जितना परचेज करेगा उतना बन जाएगा। देखो इसका फायदा क्या हुआ,
फायदा ये हुआ कि जिस काम को करने के लिए मुकेश अंबानी अकेले काम नहीं कर सकता था मेरे बच्चे, वहां पे उसने क्या किया, लाखों लोगों को मालिक बना दिया कि आप भी बनो, मैं भी बनूंगा, सब मिलके बनते मालिक आपका, और जो जितने शेयर्स परचेज कर सकता है उतने परचेज करे, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इतने पैसे लगाने हैं। हमारे पास 50 रुपये है तो हम ठीक है 5 शेयर्स परचेज कर लेंगे, आपके पास 100 रुपये है तो आप 10 शेयर्स को परचेज कर लो, और ऐसे करते करते कई पब्लिक एक साथ इकट्ठे हुए और एक बड़ा अमाउंट यहां पे इकट्ठा हो गया, और इस बड़े अमाउंट से क्या होगा, अब कंपनी काम कर सकती है। ये फायदा होता मेरे बच्चे, क्योंकि कंपनी के अंदर में जो कंपल्शन है, जो माफ की जो रिस्ट्रिक्शन है कि इतने लोग होंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। रिलायंस कंपनी में, विप्रो में, टाटा में कितने भी लोग मालिक हो सकते हैं, कितने भी, कोई रिस्ट्रिक्शन यहां पर नहीं है। तो यह कंपनी को फायदा मिलता है। बड़ा प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट इज ऑपरेटेड बाय ए कंपनी। ऐसे कंपनी भी कई तरीके के होते हैं, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, हम उसके बारे में डिस्कशन अभी नहीं करना चाहते हैं। अभी तो कंपनी वर्ड जैसे ही हमारे दिमाग में आएगा तो कौन कौन सी बातें हमारे दिमाग में होनी चाहिए, मैं उनके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। अब जरा दिमाग शांत करो, इमेजिन करो क्या निकल के आ रहा है। क्यों मैंने कहा था कि कंपनी के अंदर में लाखों लोग मालिक होते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे यही होता है कि कंपनी का जितना भी कैपिटल है हमने उसको कुछ टुकड़ों में, टुकड़े मतलब शेयर में हमने डिवाइड कर दिया, और कहा कि जो आदमी जितने शेयर्स को परचेज करेगा उतने का मालिक होगा। हाँ, मुकेश अंबानी को यहाँ देखा जाए तो बड़ा मालिक कहा जाएगा, क्योंकि इसने काफ़ी शेयर्स परचेज किए हैं एज कम्पेयर टू हम सबके आपका, तो ठीक है इसलिए कहते हैं मुकेश अंबानी मालिक है। लेकिन रिलायंस का मालिक सिर्फ मुकेश नहीं, मैं भी हूँ, हो सकता आपके पापा मम्मी भी हो, आपके बगल का आदमी भी हो, जिसने भी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं उसका मालिक है। और एक चीज और बता दूं, आज मेरे पास जो 2 लाख शेयर्स है ना, सॉरी 20,000 शेयर्स है, मैं चाहूं तो जब चाहूं इस शेयर्स को किसी को बेच सकता हूं। मुझे ये कंपनी नहीं पूछेगी कि आप क्यों बेच रहे हो, क्योंकि कंपनी के फीचर्स में लिखा हुआ मेरे बच्चे कि शेयर्स को ट्रांसफर करने का, बेचने का मेरे पास अधिकार है। आज मेरे पास है, कल को मैं आपको दे सकता हूं, आप किसी और को दो, क्या फर्क पड़ता है। आप समझो मेरी बात ना। तो देखो हमारे पास कुछ शब्द निकलते आ रहे हैं कि हमने कहा कि जरा बताओ शेयर्स क्या होता है, जरा बताओ शेयर्स क्या होता है, तो आप कहना कि कंपनी का जो कैपिटल है उन कैपिटल को कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं और वो टुकड़ा ही शेयर्स आपका होता है। जनरली मेरे बच्चे हमारे देश के अंदर में एक शेयर 10 रुपये का होता है, जनरली हमारे देश के अंदर में एक शेयर कितने का होता है, 10 रुपये का। बट ऐसा भी कोई कंपल्सन नहीं है कि 10 रुपये का ही हो, कोई कोई कंपनी आपका 5 रुपये का शेयर सकती है, कुछ कंपनी आपका एक शेयर 100 रुपये का रखती है, कुछ भी हो सकता है। बट अगर हमें पूरे चैप्टर के अंदर में कहीं पे एक शेयर का आपको वैल्यू ना बताए तो हम कितना मानेंगे, 10 रुपये का, यही मानते हुए अकाउंटिंग करते हैं। कुछ अलग होगा तो पक्का बताएगा, अदरवाइज 10 रुपये का मानेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो मैंने आपको एक वर्ड दिया, जरा बताओ कि यहां पे आपके, जरा बताओ रिलायंस कंपनी के, इसको देख के बताओ कि रिलायंस कंपनी में टोटल शेयर्स कितने हैं, टोटल शेयर्स कितने हैं, मतलब टोटल टुकड़े कितने बने कैपिटल के, 5 लाख, 5 लाख। जरा बताओ एक टुकड़ा कितने का है, 10 रुपये का। तो जरा बताओ 5 लाख टुकड़े, 5 लाख शेयर्स पे 10 रुपये के हिसाब से पब्लिक ने टोटल पैसा कितना दिया होगा, 50 लाख रुपये, 50 लाख रुपये। इस 50 लैक्स को मेरे बच्चे, क्योंकि ये ओनर ने कंट्रीब्यूट किया है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल। और हाँ, हम कंपनी में कैपिटल के नाम के आगे क्या लगा देते हैं, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब कई लोगों का मिला के आपका यहां पे पैसा लगा हुआ, दिस इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। आप समझ रहे हो ना, मैं शब्दों पे मास्टरी करा रहा हूं, क्योंकि कंपनी अकाउंट में शेयर कैपिटल, शेयर्स बार बार यूज किए जाएंगे, उसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे बच्चे। आप देखो, मैंने यहाँ कुछ बड़ी बात नहीं बताई। शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है जी, जितना भी कैपिटल है वो कई सारे शेयर्स में डिवाइड किया गया है, उसी को हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। इसका एक और भी रीजन है अकाउंटिंग के पर्पस के लिए, मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर हम इसको शेयर कैपिटल क्यों बोलते हैं। जरा देखो, मैं इसको मिटाकर अब मैं इसका मतलब समझाऊँ, क्यों हम इसको शेयर कैपिटल बोलते हैं, आखिर क्यों इसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं, ये भी बात हमारे दिमाग में अकाउंटिंग के पर्पस के लिए। ये तो थ्योरी के पर्पस के लिए था मेरे बच्चे, लेकिन अकाउंटिंग के पर्पस के लिए क्यों बोला जाता है वो भी मैं समझाऊँ। मैं आपको एक बैलेंस शीट दिखाता हूँ ऑफ टाटा लिमिटेड, टाटा का ये कंपनी है मेरे बच्चे। सर हम भी बनाए, ना ना ना, बस मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। पता क्या हुआ, इस कंपनी को 20 लाख रुपए चाहिए एज कैपिटल। मेरे बात ध्यान सुनना, मैं क्या बता रहा हूं, इस कंपनी को 20 लाख रुपए चाहिए एज कैपिटल, या छोड़ो
मैं पहले आपको दिखाता हूँ बैलेंस शीट आपका क्या। मान लो मैं आपके सर का, मेरा मेरा बैलेंस शीट है मेरे बच्चे, सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप मान लो, अभी कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं अकेले काम स्टार्ट किया और मैंने क्या किया, बिजनेस में 5 लाख रुपए मान लो मैंने कैश जमा किया, बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाया। ये 5 लाख बिजनेस में किसने लगाया है? आपके सर ने, मतलब ओनर ने, मैं ओनर हूं बच्चे मान लो इसका। तो फिर मैं इसको क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा कैपिटल। ये मेरा कैपिटल है कितना, 5 लाख। अकाउंट्स काम करता है डबल एंट्री सिस्टम पे, बिजनेस में कैश आया है, किसने दिया, ओनर ने, उसके नाम से रिकॉर्ड करता हूं। तो यहां पे बैलेंस शीट देख के बताओ ये 5 लाख कहां से आया जी, ओनर ने दिया है। ओनर कौन है, संतोष सर, एक ही मालिक है, तो काम पूरा आपका हो गया। लेकिन मेरे बच्चे अगर मैं इसको बात करता हूं एक पार्टनरशिप फॉर्म का, अगर मैं बात करता हूं पार्टनरशिप फॉर्म का, तो पार्टनरशिप फॉर्म में मान लो 50 लाख रुपए आए हैं, किसने दिया है, मान लो 50 लाख में जो 30 लाख रुपीज का अमाउंट है वो यहां पे ए ने दिया है, एंड 20 लाख का जो अमाउंट है मेरे बच्चे वो बी ने दिया है। तो बताइए पार्टनरशिप में हम क्या लिखते हैं, एज कैपिटल अकाउंट, और यहां क्या लिखते हैं, बीज कैपिटल अकाउंट। क्या मतलब निकल के आया कि पार्टनरशिप फॉर्म में जो 50 लाख रुपीज लगे हुए हैं उनमें से 30 लाख आपने दिया है, 20 लाख आपने दिया है। हिसाब रखना होता है ना बच्चे, कई चैप्टर में कई टॉपिक्स में बताया, हिसाब तो मेंटेन करना होगा। अगर पार्टनरशिप फॉर्म में अगर हमने 50 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए हैं तो ये 50 लाख किसने दिया है, उसके नाम से तो रिकॉर्ड करना होगा मेरे बच्चे। हमने बताया कि 50 लाख जो आया इसमें ए ने 30 और बी ने कितना 20 दिया है, तो रिकॉर्डिंग होता है। दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल बीज कैपिटल। अगर 3 पार्टनर होते तो एज कैपिटल बीज कैपिटल से कितने कितना, किसने कितना कितना दिया, हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। 4 पार्टनर होगा तो एज कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, डी कैपिटल लिखते हैं यहाँ पे सर। हाँ, लेकिन अब मैं पार्टनरशिप फर्म से भी हटकर मैं कंपनी के अंदर आता हूँ, मतलब टाटा की बात करता हूँ। मान लो 50 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है और ये 50 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करने वाले मेरे बच्चे 1, 2, 3 लोग नहीं है, यहाँ पे हजारों लोग हैं। तो मैं नाम लिखता हूँ हजारों का, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ये इन्होंने 5,000 रुपये दिया, इन्होंने 2,000 दिया, इन्होंने 50 रुपये दिया, इन्होंने 30 रुपये दिया, 100 रुपये दिया। कितने लोगों के नाम को लिखूं, कितने लोगों के नाम को लिखूं? पार्टनरशिप में समझ में आया 2-3 लोग होते हैं जी नाम लिख दो, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक होता नाम लिख दो, लेकिन जहां पे लाखों लोग मालिक हैं उन लाखों लोगों के नाम को कैसे लिखूं? फिर क्या फायदा पढ़ने का 11वीं क्लास में कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है, क्या फायदा पढ़ने का मेरे बच्चे? तो पता अकाउंट्स क्या बोलता है, वो कहता है भैया कंपनी के केस में फिर एक काम करो, ए बी सी डी ई एफ जी एच का नाम मत लिखो, आप एक काम करो जरा बताओ जितने भी मालिक हैं वो लाखों लोग, उन सबसे कितना पैसा आया, 50 लाख ना, तो पूरे 50 लाख को आप इकट्ठा दिखा दो, और जो ये कैपिटल है, ये जो कैपिटल है ना उसके आगे क्या बोल दो, शेयर कैपिटल। मतलब ये शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल मतलब कि जिन जिन लोगों ने शेयर परचेज किया है, मतलब वो मालिक, उन सबका मिला के इतना कैपिटल है, उसको हम बोलते हैं आपका शेयर कैपिटल। लेकिन सर एक बात बताओ, फिर हमें जैसे पार्टनरशिप में तो पता चला कि ए ने इतना दिया, बी ने इतना दिया, यहां कैसे पता चलेगा, इसमें लाखों लोग हैं तो इसमें ए का कितना है, बी का, सी का, डी का और आपका कितना, कैसे पता चलेगा? तो मेरे बच्चे पता है क्या होता है, कंपनी को कहा जाता है कि काम करो बैलेंस शीट के अलग से एक मेंबर्स का आप रजिस्टर मेंटेन करो, और इस 50 लाख में जो लोग हैं ए बी सी डी उनका नाम अलग से मेंटेन करो, और आप वहां दिखाओ कि किसे कितना कितना पेमेंट आया है। बैलेंस शीट को कृपया करके गंदा मत करो, ये बैलेंस शीट साफ सुथरा दिखना चाहिए मेरे बच्चे, ये साफ सुथरा दिखना चाहिए। तो आप प्लीज, आपको यहाँ पे एक अलग से रजिस्टर मेंटेन कर लो, उसमें सबके नाम को लिख लो। नाम मान लो आज शेयर्स ए के पास है, ए ने डी को बेच दिया, तो आप क्या करना, ए का नाम हटा के डी को लिख देना जी, यहाँ पे अलग करना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बस शेयर कैपिटल लिखो। तो मेरे बच्चे इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया गया। आइए थोड़ी सी सांसों को रोकते हुए, थामते हुए, दिमाग को शांत करते हुए जरा समझे कि शेयर कैपिटल का क्या मतलब होता है। अगर किसी बैलेंस शीट के अंदर में, अगर किसी बैलेंस शीट के अंदर में शेयर कैपिटल आपको दिखता है, इसका मतलब कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओनर से, मालिक से लिया हुआ पैसा इनटू द बिजनेस।
हाँ वो मालिक कौन कौन से, अगर इसका डिटेल आपको जानना है तो मेंबर्स रजिस्टर को आपको देखना होगा, वहां पे उसका डिटेल मेंटेन होता है मेरे बच्चे। यहां पे नहीं, यहां तो सिंपली हमने क्या किया आपका, यहां पे आपका दिखा दिया। तो शेयर कैपिटल की बात की, सुनो मेरी बात यहां पे सर हां कुछ और। हां बच्चे, जब बात अब शेयर्स की उठी गई है, जब बात मैंने मालिक का बताना शुरू कर ही दिया है, तो आपको यह भी जानना पड़ेगा कि मालिक आखिर कितने तरीके के होते हैं, मतलब शेयर्स कितने तरीके के होते हैं कंपनी के अंदर में। आओ ना, पता अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, मुझे लगता है कि लगभग एक घंटा हमारा गुजर गया लेकिन कुछ भी तो पढ़ाई नहीं किया मेरे बच्चे। जरा बताओ हमने क्या बताया आपको, बताइए। कंपनी अकाउंट्स में कंपनी का मीनिंग बताया, वो लॉर्ड जस्टिस के मुताबिक जी आपका। फिर हमने कह दिया सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में कंपनी को ऐसे डिफाइन किया गया है कि जो कंपनी एक्ट 2013 है उसके पहले के एक्ट में रजिस्टर्ड है जी। हमने फीचर्स देखा वहाँ पे, रजिस्टर्ड बॉडी होना चाहिए, कॉमन सील होना चाहिए, आपका नोट ऑफ फ्यूजन हुआ आपका, प्रॉपर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, सेपरेट लीगल एंटिटी आपका है, ओनरशिप मैनेजमेंट आपका अलग है, पीरियोडिक ऑडिट आपका है, राइट टू एक्सेस ऑफ अकाउंट्स आपका, कितनी सारी बातें हमने देखा वहाँ पे, देखा ना। अरे बोलो ना, वो शेयर्स को ट्रांसफर करने पे कोई आपका रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितनी सारी बातें हमने देखा, देखा ना बच्चे। तो ये हमारे थे, फिर हम कहां पर निकल गए हैं जी आपका, शेयर्स क्या मतलब होता है, तो शेयर्स का मतलब एक टुकड़ा होता है आपके, आपके पापा मम्मी क्या करते हैं, मान लो अगर सपोज कि आपको टुकड़े का मतलब समझना है तो पापा मम्मी मान लो मम्मी की बात करते हैं, मान लो एक रोटी बनाती है, एक रोटी मतलब ये गोला गोला रोटी नहीं होता, रोटी जो खाते हैं हम, रोटी रोटी, उस रोटी के टुकड़े कर दो, उस रोटी के टुकड़े कर दो, वही टुकड़ा हो गया, वही शेर हो गया। अगर रोटी के पांच टुकड़े कर दिए तो पांच शेर बन गया, रोटी के हमने दस टुकड़े कर दिए तो दस शेर बन गया जी। और उस दस टुकड़े में अगर आपको तीन टुकड़े मिले तो तीन टुकड़े के आप मालिक हो गए, जो दो टुकड़ा उसमें से लिया दो टुकड़े का मालिक हो गया, यही तो होता है। और कंपनी के बात करें तो कंपनी का जितना भी कैपिटल है उसको हम कुछ टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। एक टुकड़ा अगर मान लो हमने दस रुपये का बनाया तो जितने भी टुकड़े बनेंगे उसमें से जो जितना टुकड़ा परचेज करेगा उतने का मालिक कहा जाएगा। कौन सी बड़ी बात बता दी, जरा बताओ इसके अंदर में, हाँ कौन सी बातें बता दी। और हाँ, इसके बाद अगर आपको शेयर्स का और ज़्यादा समझना है कि शेयर्स कितने तरीके के होते हैं मेरे बच्चे, तो बताऊं मैं, ये जो शेयर्स होते हैं ना, ये जो शेयर्स होते हैं, सुनते चलो, ये सारी बातें मैंने आपके बुक में लिख के दी हैं, आपको समझना है, यहाँ पे मेरे साथ समझना है, लिख के क्या फ़ायदा, बुक में दिया है ना, आप उसको ध्यान रखना। एक बात बता दूँ, जितनी बातें थ्योरी पढ़ाता हूँ उसको आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। मेरी क्लास के बाद थ्योरी क्या करेंगे, आप प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे और उसको लिखेंगे। अगर आपने आदत डाल दी लिख लिख के प्रैक्टिस करने की, थ्योरी की बात कर रहा हूँ, बात मानो इतना मज़ा आपको आएगा, आपके लैंग्वेज में भी इम्प्रूवमेंट होगा, एग्जाम के टाइम पे तो आपका मस्त चीज़ निकल के आएंगी। लेकिन आपने लिख के प्रैक्टिस नहीं किया, बस सिर्फ रट लिया, तो फिर काम खराब होगा। इसलिए शेयर्स जो होते हैं ना बच्चे, मैं अब बात कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ शेयर्स, ये शेयर्स कितने तरीके के होते हैं, दो तरीका होता है। एक आपका होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है आपका यहां पे प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स आपका मेरे बच्चे, दो तरीके के शेयर्स होते हैं, इक्विटी, दूसरा आपका प्रेफरेंस। सर ये क्या हुआ, मैं आपको बताते चलूं, अगर मैं इनकी बात करूं मेरे बच्चे, तो ये जो होते हैं ना, ये होते हैं मेन आपका मालिक, मेन ओनर आपका, कंपनी के मेन मालिक यही होते हैं। इनको हम ना आपका सेकेंड मतलब कि लो लिखे, सर लिखना नहीं है, सुनो मैं समझा रहा हूँ, लिखना क्या, मैं भी बुक में पढ़ाऊंगा। इक्विटी शेयर्स मेन मालिक होते हैं, इनके बाद इनका होता है सेकेंड, सेकेंड प्लेस, सेकेंड प्लेस मेरे बच्चे, ये पहला मालिक, ये दूसरा मालिक है, हम कहते हैं सेकेंड ओनर अगर कहा जाए तो, सेकेंड। और मैं और अच्छी बात करूँ तो ये जो होते हैं ना, ये होते हैं बड़े भाई, बड़े भाई कंपनी में, और ये होते हैं छोटे भाई, छोटे भाई मतलब हमेशा इनका जो अधिकार होगा मेरे बच्चे इनसे ज्यादा होगा। मैं बताऊं कंपनी, जरा बताओ यहां पे आपका, जैसे आप याद करो पार्टनरशिप में पार्टनर्स को क्या मिला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था, पार्टनर्स को सैलरी मिला था, पार्टनर्स को कमीशन मिला था, पार्टनर्स को प्रॉफिट में शेयर मिला था, मिला था ना बच्चे। कंपनी के अंदर में जो मालिक होते हैं, कंपनी के जो मालिक होते हैं, दोनों मालिक हैं, इन दोनों मालिक को यहाँ पे डिविडेंड मिलता है।
डिविडेंड, क्या मिलता है यहाँ पे? डिविडेंड, मतलब इनको इंटरेस्ट नहीं मिलता, इनको सैलरी नहीं मिलता, इनको कमीशन नहीं, जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट को जब शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइड करती है मेरे बच्चे, जब मालिक को देते तो उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। सर डिविडेंड कैसे दिया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा समझाता हूँ। ये देखो आप लिखना बंद करो, मैं पूरा वर्किंग समझा रहा हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि जब तक इन वर्ड्स पे आपको कमांड नहीं हो पाएगा आगे का आपको कंपनी अकाउंट समझने में दिक्कत आएगी। आपको अगर नींद आ भी रही है तो सोना मत, आप चाहो तो अपने बगल में जो जूते चप्पल पकड़े पड़े हुए उसको लो और जितना मारना अपने सर पे मारो, लेकिन सर पे मतलब मुझ पे नहीं अपने सर पे, इसको बोलते सर मेरे बच्चे, लेकिन आप यहाँ पे मतलब सोना नहीं, क्योंकि अगर आज सो गए आप ना, अगर आज सो गए तो फिर आगे जागने का मौका नहीं मिलेगा, आगे इस चैप्टर को समझने का मौका नहीं मिलेगा, आप बातों को ठीक से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि कंपनी अकाउंट्स के बारे में आज ही तो आपका जन्म हुआ है सीखने के लिए, इसलिए सोना मत मेरे बच्चे, आप सोना मत। सुनो जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मान लो एक कंपनी की बात करता हूं, और इस कौन सी कंपनी, टाटा कंपनी की बात करता हूं। टाटा कंपनी ने क्या किया, मान लो आपका इनके सपोज दैट कि आपके इनके 5 लाख शेयर्स हैं, इस कंपनी में 5 लाख शेयर्स हैं मेरे बच्चे, 10 रुपए वाले, यानी कि शेयर कैपिटल कितना हो गया 50 लाख, मतलब इस कंपनी में जितने भी मालिक हैं उन लोगों ने 5 लाख शेयर्स इस कंपनी के परचेज किए हैं, ये तो पक्का है ना बच्चे। मान लो ये कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट कमाती है एक साल में, सपोज दैट आपका यहाँ पे 20 लाख रुपीज, 20 लाख रुपए का अगर ये कंपनी प्रॉफिट कमाती है, 20 लाख का अगर ये कंपनी प्रॉफिट कमाती है, तो ये कंपनी क्या करेगी, 20 लाख के प्रॉफिट को 5 लाख टुकड़ों में डिवाइड कर देगी शेयर्स, यानी कि 5 लाख जो शेयर्स इस कंपनी में है, 5 लाख जो टुकड़े हैं उस टुकड़े में डिवाइड कर देगी, और जरा बताओ पर शेयर यानी कि पर टुकड़ा कितना बन गया, 4 रुपये, तो ये 4 रुपया पर टुकड़ा क्या होगा, डिविडेंड कंपनी पे करेगी, डिविडेंड कंपनी पे करेगी, किसको पे करेगी, शेयर होल्डर को, मालिक को। अगर मान लो मेरे पास 10 शेयर है मेरे बच्चे इस कंपनी के, तो 10 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से मुझे कितना मिल जाएगा, 40 रुपए। अगर इस कंपनी के आपके पास 200 शेयर्स अगर हैं, तो 200 शेयर्स पे 4 के हिसाब से कितना मिल जाएगा, 800 रुपए। और किसी के पास मान लो इस कंपनी के 1000 शेयर्स हैं, तो 1000 × 4 इनको कितना मिल जाएगा, 4000 रुपए। ये जो 800 या 4000 रुपए मिल रहे हैं, दीज आर कॉल्ड डिविडेंड, ये डिविडेंड कहा जाता है, मतलब कंपनी के अंदर में जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो पर शेयर जो आपको अमाउंट मिलेगा कंपनी के मालिक को पैसा इन्वेस्ट करने के बदले में, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। सुन लो मेरी बात, तो डिविडेंड का मतलब क्या जी, कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट को जितने भी कंपनी में शेयर्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, उतने टुकड़ों में डिवाइड कर देती है, एक टुकड़े पे जितना अमाउंट बना वो आपको जो पे करेगी, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। मेरे बच्चे इस दोनों ही कंपनी में डिविडेंड, सॉरी दोनों ही तरीके के शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है, तो सर फिर इनमें फिक्स फर्क क्या है? मेरे बच्चे ध्यान सुनना, प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं ना, इन पे डिविडेंड जो होता है वो फिक्स्ड रेट से मिलता है, फिक्स्ड मतलब पहले से डिसाइडेड है, पहले से डिसाइडेड है कि भैया हम ना आपको डिविडेंड क्या पे करेंगे, मान लो 10% पे करेंगे, मान लो 12% पे करेंगे, मान लो कुछ भी आपका हो सकता है, हम पहले से डिसाइड कर दिए। सुनो मेरी बात, तो उस केस में मेरे बच्चे जितना पैसा ये लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उस पे जो भी रेट हमने फिक्स किया हम उतना ही डिविडेंड पे करेंगे। लेकिन इन पे जो डिविडेंड होता है ना वो होता है वेरिएबल, वेरिएबल होता है मतलब ये वेरी करता है, मतलब ये जो कैलकुलेशन है ना, ये कैलकुलेशन आपका वो इनके लिए होता है, इनके लिए, इनके लिए क्या होगा डिविडेंड, मतलब जितना लास्ट में प्रॉफिट बचेगा, जितना बचेगा वो सारा पैसा क्या होगा, इक्विटी के बीच में डिवाइड हो जाएगा जितने शेयर्स उनके पास होंगे। तो इनका तो डिविडेंड फिक्स्ड आपका है, और इनका क्या वेरिएबल, मैं आपको उस पर भी एक चीज समझाता हूँ, ये सब लिखने वाली बातें नहीं है मेरे बच्चे, बस आप ध्यान से शब्दों को सुनते चलो, ये सारी बातें आपको आगे आने वाले हर एक चैप्टर्स में यूज किए जाएंगे। तो देखो मैं ये फिक्स्ड और वेरिएबल का कलाकारी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे समझाते हुए, आपको लिखना नहीं है बस मेरी बात सुनो, ये बहुत ज़्यादा इंक छोड़ा, खैर कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात, एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मान लो कहता है कि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट अर्न्ड बाय टाटा लिमिटेड,
टाटा लिमिटेड ने जो प्रॉफिट कमाया वो मान लो 20 लाख रुपए, 20 लाख्स का अमाउंट, 20 लाख्स का प्रॉफिट कमाया। कंपनी में कहता है कि यहां पे मान लो 10% आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। सर हम भी लिख ले? नहीं लिख रहे मेरे बच्चे, आप सुनो तो। मैंने कहा ना इस पे चर्चा पूरे चैप्टर में चलेगा, पूरे बुक में चलेगा, और एक चैप्टर आएगा रेशियो एनालिसिस, वहां पे तो इसको और पॉलिश करूंगा मैं आपका। बट अभी सुन लो, ये मान लो कहता है कि आपका यहां पे सपोज दैट आपका 50 लाख का अमाउंट है, 50 लाख, और कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल, कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब ये जो दूसरे मालिक है इक्विटी वाले, कहता है ऑफ ₹10 ईच का मतलब होता है कि एक शेयर ₹10 का है, और हमने ऐसे भी कहा था ना बताया तो भी ₹10 का मानेंगे। ये मान लो कहता है अमाउंट आपका यहाँ पे सपोज दैट 10 लाख का है, 10 लाख रुपए का। जरा बताओ ये इक्विटी शेयर्स कहता है कि 10 लाख रुपए का है और एक शेयर 10 रुपए का, तो कितने शेयर्स बने होंगे? 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स यहाँ पे बने होंगे मेरे बच्चे, और एक शेयर कितने का? 10 रुपए का, तो अमाउंट कितना हो गया? 10 लाख रुपए का अमाउंट। यही हुआ होगा ना, बोलो ना। हाँ, अगर आपका यहाँ पे 10 लाख रुपए कैपिटल है और एक शेयर 10 का मतलब एक टुकड़ा 10 का, तो 1 लाख शेयर्स बने होंगे। कहता है बताओ कैलकुलेट, कैलकुलेट आपका डिविडेंड, डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स हैं मतलब जो मालिक है उनको क्या डिविडेंड मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप बताओ प्रॉफिट आपने कितना कमाया है, प्रॉफिट कितना कमाया कंपनी ने? 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। मेरे बच्चे रूल है हमारे देश में, आप नाम सुनो यहां पे क्या लिखा हुआ है। यहां पे देखो प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस का मतलब होता है जिसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, मतलब पहले इनका पेमेंट किया जाएगा। कहने का मतलब कि इस 20 लाख में मेरे बच्चे पहले डिविडेंड हम देते हैं, जब ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा मालिक के बीच में, तो पहले इनको पेमेंट किया जाएगा, यानी कि डिविडेंड दिया जाएगा किस पे जी? ऑन प्रेफरेंस शेयर्स पे। कितना? तो इनसे पैसा हमने 50 लाख रुपए लिया हुआ है, 50 लाख रुपए, और देखो 50 लाख पे रेट कितना है जी? 10%, ये फिक्स्ड है मेरे बच्चे। जो रेट इनका होगा उससे ज्यादा आप नहीं दोगे, कभी नहीं दोगे। तो ये कितना हो गया? 5 लाख रुपए। ये 5 लाख रुपए हमने क्या क्या इनको दे दिया, इनका तो फिक्स्ड है जो परसेंटेज होगा हम उतने ही देंगे। अब 20 में 5 लाख प्रेफरेंस को देने के बाद कितना बच गया? 15 लाख रुपए, 15 लाख मेरे बच्चे, ये एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ऑन इक्विटी शेयर्स। ये इक्विटी शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इक्विटी यानी कि जो मेन मालिक है मेरे बच्चे, तो जितना भी लास्ट में बच गया ये 15 लाख, ये 15 लाख क्या होगा जरा बताओ? कितने इक्विटी है, कितने शेयर्स है? 1 लाख, 1 लाख शेयर्स है मेरे बच्चे। आप इसको 1 लाख टुकड़े में डिवाइड कर दोगे तो कितना निकल के आ जाएगा आपका? ₹15 पर शेयर, 15 रुपए के हिसाब से इनको पे किया जाएगा। मतलब प्रेफरेंस पे डिविडेंड का रेट हमेशा फिक्स्ड होता है, इक्विटी पे फिक्स नहीं होता। ये जितना लास्ट में बच जाएगा, मान लो बच गया 12 लाख, तो 12 लाख 1 लाख टुकड़े में डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 10 लाख बच गया तो 10 लाख 1 लाख टुकड़े में, मतलब जितने भी शेयर्स होंगे उतने टुकड़े में आपको डिवाइड कर देना है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप देखो इन पे डिविडेंड वेरी करेगा, लेकिन इनका डिविडेंड हमेशा इतना ही होगा बच्चे, इससे कम ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ध्यान देना मैंने क्या क्या बातें आपको समझा दी। मैंने आपको समझा दिया कि डिविडेंड का रेट, रेट जो होता है डिविडेंड का इन पे फिक्स होता है बट इनमें वेरिएबल होता है। एक बार और देख लिया कि प्रायोरिटी जो होगा, प्रायोरिटी मतलब जो पहले पे किया जाएगा, प्रायोरिटी टू पे डिविडेंड, डिविडेंड वो किसका होता है? प्रेफरेंस शेयर्स का, मतलब इनको पहले पे करते हैं और इनको क्या होता है जी? एट लास्ट, लास्ट में पे किया जाता है मेरे बच्चे, यानी कि प्रेफरेंस को पहले किया जाएगा, इक्विटी को लास्ट में पे किया जाएगा। लास्ट में इसलिए क्योंकि आप कंपनी के मेन मालिक हैं, जो भी लास्ट में बच गया सब आपका हो जाएगा। अगर लास्ट में कुछ भी नहीं बचा तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, और लास्ट में जितना बच गया सब आपका है। इनका तो फिक्स्ड है, जो भी रेट आपका डिसाइड किया गया उतना उससे न कम ना ज्यादा। एक बात और सुनना मेरे बच्चे, अगर कंपनी बंद होती है, जैसे पार्टनरशिप फर्म डिजॉल्व हुआ था वैसे कंपनी भी बंद होती है, कंपनी को बंद करने को हम बोलते हैं लिक्विडेशन। लिक्विडेशन, लिक्विडेशन का मतलब क्या? कंपनी लिक्विडेट हो गई, मतलब कंपनी बंद हो गई। अगर कंपनी बंद हो जाती है तो कंपनी में भी पहले लायबिलिटी वालों का पे होता है, जैसे पार्टनरशिप फर्म में हुआ था।
लाइबिलिटी का पेमेंट करने के बाद जितना पैसा बच जाएगा उस पैसे में से पहले प्रेफरेंस वालों को पेमेंट होगा, क्योंकि प्रेफरेंस इनको दिया गया हर एक जगह मेरे बच्चे, इनको प्रेफरेंस आपका है कि ठीक है जी जो पैसा बच गया उसमें पहले आपको पे किया जाएगा, और आपको पे करने के बाद कुछ पैसा अगर बचेगा तो इक्विटी वालों को पे किया जाएगा, कंपनी के मेन मालिक है ये आपके घर की कहानी है। मैं आपको मतलब कुछ मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, लेकिन मेरे बच्चे एक गरीब के घर में अगर देखा जाए ना तो पता क्या होता है कि जो माँ होती है ना, माँ वो पहले अपने बच्चों को खिलाती है, बच्चों को खिलाने के बाद कुछ बचता है तो वो क्या होता है, माँ और पापा खाते हैं। ऐसा होता है गरीब में, मैंने भी देखा है, कभी हमारे भी घर में ऐसा हुआ है मेरे बच्चे कि पहले माँ बाप क्या करते हैं, अगर मान लो कोई फेस्टिवल आया या कुछ भी हुआ तो पहले बच्चों का वो देखते हैं फिर अपने बारे में सोचते हैं। वही कहानी यहाँ पे है, कंपनी का जो मेन मालिक है वो इक्विटी वाले हैं, इनको हमेशा लास्ट में देखना पड़ेगा अपने आप को, पहले बाकी लोगों को देखना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस वालों को पहले, बाद में इक्विटी वालों को देखा जाता है, बात समझ आ रही है। तो हमने क्या बोला, डिविडेंड भी पहले इनको पे किया जाएगा, अगर कंपनी लिक्विडेट होती है तो भी पहले इनको पे किया जाएगा, इनको पे करने के पहले। दूसरा हमने क्या देखा कि इन पे डिविडेंड फिक्स्ड होता है, इन पे फिक्स नहीं होता। और हाँ, ये जो बड़े भाई छोटे भाई मैंने समझाया, ये तो आपको एग्जाम में मत लिख देना, ये तो समझाने के लिए बताया, ये आपका इस तरीके से निकल के आता है। एक बात और बता दूं, क्योंकि कंपनी के मेन मालिक ये है मेरे बच्चे, इसलिए कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर अगर कोई डिसीजन होता है, मान लो हमने कहा था कंपनी के जो शेयर होल्डर से अलग है और मैनेजमेंट अलग है, मैंने कहा था ना बच्चे, लेकिन मैनेजमेंट जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेती है ना तो इनके साथ पहले पूछताछ करती है, उनका सजेशन लेती है, उनसे बातें करती है, उनकी मीटिंग होता है कि देखो जी हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, आप सहमत हो कि नहीं हो। ये होगा बच्चे, हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, बट हमेशा मीटिंग होता है, AGM जिसको बोलते हैं आपका, एनुअल जनरल मीटिंग। तो मैनेजमेंट जब भी कोई डिसीजन लेनी होगी तो इनसे पूछेगी, इनसे वोटिंग होता है, इनसे वोट मांगे जाते हैं कि आप अपना वोट दो, आप क्या बोलना चाहते हो। तो वोटिंग करने का जो राइट है ना वो इनके पास होता है, इनके पास नहीं होता। कंपनी के जितने बड़े बड़े मेन डिसीजंस होते हैं उन डिसीजंस में वोटिंग राइट किसके पास होता है, इक्विटी वालों के पास, क्योंकि आप मेन मालिक नहीं हो, आप डिविडेंड भी फिक्स मांग रहे हो यार, आप कह रहे हो कि हमें पहले पेमेंट भी करना, कंपनी बंद होगी तो फिर मालिक आप कहाँ से रहे, मेन आपका, हम फिर इनसे बात करते हैं, इक्विटी आपका। तो यहाँ पे इक्विटी वाले जो होते हैं मेरे बच्चे, वही क्या करते हैं, कंपनी के आपका पार्टिसिपेशन करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर में आपका, ठीक है ना, ठीक है ना बच्चे। सर हाँ ये तो ठीक है, और कुछ बताओ। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें होनी मेरे बच्चे, और इतनी सारी बातें कि मैं क्या बताऊँ, बहुत सारी बातें होनी है, लेकिन आज अगर मैंने कर दिया ना तो आप इतने गुस्से मुझसे हो जाओगे कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि आज हमने कितनी सारी बातें आपके साथ डिस्कस कर ली और समय कैसे गुजर गया मुझे पता नहीं चला। हमने कंपनीज का मतलब देखा, Section 2, Subsection 20 ऑफ कंपनी 2013 के मुताबिक, जस्टिस लॉर्ड हार्वे ने क्या बोला था वो भी हमने देखा, फीचर्स को भी हमने देखा। कंपनी दो वर्ड से मिलके बना है, कम प्लस पनिश, पनिश यानी कि ब्रेड, कम मतलब कम, टुगेदर, टुगेदर एक साथ मिलके ब्रेड खाते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं कंपनी, इससे डिराइव हुआ। फिर हमने देखा कि शेयर्स दो तरीके के होते हैं, आपका सॉरी शेयर कैपिटल कैसे बना, शेयर कैपिटल का क्या मतलब होता है, शेयर्स कैसे बना हम उसके बारे में जाने। फिर हमने देखा कि आपका जो शेयर्स दो तरीके के, जो प्रेफरेंस और इक्विटी हैं, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है वो मोटा मोटे तौर पर देखा। बातें और भी बहुत सारी होने वाली हैं, इन सब के बारे में मैंने बुक में थ्योरी में आपको दिया हुआ है, लेकिन जब पढ़ाऊंगा तभी पढ़ना है, अभी आपको ध्यान से इन बातों को एक बार रिवाइज करके अगली क्लास में बैठना है। चलिए आज क्लास को यहीं रोकते हैं मेरे बच्चे, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इसके आगे की बातें डिस्कशन करने के लिए। अभी थ्योरी और न्यूमेरिकल्स का जो कॉम्बिनेशन है हम उसको बहुत अच्छी तरीके से लेके चलेंगे। एक चीज़ आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस चैप्टर में जितना मज़ा आपको आएगा, जितना कमांड आपका होगा, आपके बगल वाले पड़ोसी को कभी हो नहीं सकता, विश्वास रखें आप। नेक्स्ट टाइम मिलते बच्चे, आप सबको बाय बाय टाटा, थैंक यू।